ये है भाई हमारा होटल गोल्डन ट्यूलिप। ये इसका बार का है और ये 5 स्टार होटल है। होटल अच्छा है लेकिन सर ये यहाँ पे यार लोकेशन थोड़ी सी ना ट्राम मेट्रो की 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आने जाने में, तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, 10 मिनट लग जाते हैं यार, बाकी तो सब ठीक है। होटल तो इतना बुरा नहीं है, होटल तो 5 स्टार होटल अच्छा है यार। ये रिसेप्शन वगैरह इसका, यहाँ से आगे आपको मिल जाएगी लिफ्ट जाती है हमारे ऊपर, तो अच्छा है यार होटल। ये भाई ब्रेकफास्ट है होटल का, तो आप ब्रेकफास्ट भी अच्छा है यार, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। वेजिटेबल्स लेना है वो भी, नॉन वेज खाना है वो भी, यहाँ पे नॉन वेज भी है, नॉन वेज भी खा सकते हो, कॉफ़ी वगैरह जूस सब मिलता है। अच्छा है यार ब्रेकफास्ट, अच्छा है। भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट है, सूप है, ऑरेंज जूस है, अरे यार खरबूजा भी खाएंगे सुबह सुबह यार। भाई यहाँ पे है सारा ड्राई फ्रूट मिलता है यार, पूरा ड्राई फ्रूट ले सकते हो, हर चीज मिलेगी आपको यहाँ पे। ये मीट वगैरह है यहाँ पे, ये देखो पूरा ड्राई फ्रूट है, मार्केट है यार ड्राई फ्रूट की, इधर स्वीट है, ये देखो भाई यार खाने के लिए इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज मिलेगी आपको। अंजीर जो आपको ड्राई फ्रूट इंडिया में महंगा मिलता है ना, तो यहाँ पे भाई अच्छा रेट है यार, आप खा सकते हो, दिल भर के खा सकते हो जो भी आपको खाना है। ये है भाई मेरे पास पीछे कलरफुल है, वो फोटो नहीं खींचने दे रहा है मुझे, तो बोलता है इसका पैसा लगेगा भाई, अगर आपको देखना है यार तो पैसा लगेगा भाई इसका, 50 ऐसे कुछ लेता है, 50 लीरा लेता है फोटो खींचने का। अरे यार बिजनेस यार लोगों ने बहुत अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे। ये है भाई रात की, यार रात का व्यू है भाई, ये सारे शिप वगैरह चल रहे हैं, देखो यार पीछे कैसे लोग समंदर के किनारे बैठे हुए पूरे मजे कर रहे हैं यार अपने लाइफ का। ये पीछे ब्रिज है भाई, यहाँ से जो हमने शिप अभी शिप पे जाएंगे ना, तो इंक्लूडेड है सब कुछ, तो अभी बुकिंग कराई है उसकी, रिजर्वेशन करवा के आया हूँ, तो कल को जाएंगे भाई, कल को घूमेंगे फिर शिप के अंदर, बैली डांस सब कुछ है उसके अंदर, एंजॉय करेंगे भाई। मार्केट है भाई ये, खुली रहती है मुझे लगता है यार 10-11 बजे तक मार्केट खुली रहती है ये। तो मैं यहाँ इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा है भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब ज्यादा है यहाँ पर।
भाई यहाँ पे डॉलर कम यूरो ज़्यादा चलता है, ज़्यादातर प्राइस इन लोगों ने ना यूरो में दिखाई हुई है, तो यूरो ही आपको यहाँ लेके आने पड़ेंगे। अभी तक तो 8:30 हो चुके हैं यार, इंडिया जैसा फील होता है यार, जैसे इंडिया में नहीं आ गए हम लोग, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, कोई जैसे ग्रीन होती है जेबरा क्रॉसिंग है ना वो गाड़ी रोकते हैं, ना जैसे रेड होती है तो ना यहाँ पे आदमी रुकते हैं, रेड में भी जाते हैं, कोई जैसे रशिया में वो रूल है ना भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं है यार टर्की में, जैसे एशियन वाला ही हाल है यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से रोड क्रॉस करो, रेड में वो गाड़ी रोकते नहीं है, ऐसे भगाते हैं पूरी भाई, तो इस चीज़ से केयरफुल रहना पड़ेगा यार। अगर जेबरा क्रॉसिंग से भी करते हो ना तो आप कर सकते हो, लेकिन भाई केयरफुल रहना पड़ेगा यार। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना भाई यहाँ पे, अब मैं 2018 में आया था तो 18 में भाई इतनी महंगाई नहीं थी, जब अभी जो पहले 3 रुपए की चीज़ थी वो अब 5 की हो चुकी है, 6 की हो चुकी है, तो डबल प्राइस हो चुका है यहाँ पे भाई, बहुत महंगाई है यार। चलो कोई बात नहीं, हम तो 3-4 दिन के लिए आए हैं, आगे जाएंगे फिर देखते हैं।